अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नवरात्रा आरंभ है। आपको बता दें कि पूरे समस्त भारत ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में भी हिंदू का यह पर्व मनाया जाता है। बता दें कि धूमधाम तरीके के साथ केक काटकर मनाया गया मां भद्रकाली का 19वां जन्मदिन। सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी। दरबार में भक्तों की पीड़ा को सुना जाता है। माँ के दरबार में जो दिल से और मन से अपनी मुराद मांगते हैं, उन्हें पूर्ण भी होती है। उत्तर प्रदेश के झांसी के तहसील मऊरानीपुर के अंतर्गत टीकमगढ़ बस स्टैंड पर स्थित छोटे माली के मकान की छत पर विराजमान माँ भद्रकाली के 19वां जन्म दिवस मनाया गया। बताते चलें कि काफी रात्रि तक यह कार्यक्रम चलता रहा, दूर दराज से भी लोग आए। आपको बता दें कि इसकी तैयारियाँ कई दिनों पहले से आरम्भ हो जाती है। उत्सुकतावश यहाँ भक्त आते हैं, माँ भद्रकाली का जन्मदिन मनाया जाता है। भक्तों की कतारें सैकड़ों की संख्या में देखी जा सकती है। जन्मदिन पर केक काटने के बाद प्रसाद का वितरण भी होता है। प्रसाद काफी रात्रि तक लोगों ने ग्रहण भी किया। दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि भीड़ की संख्या काफी ज्यादा थी। माँ से प्रार्थना कर लोग अपने मनोकामना पूर्ण के लिए विनती और अनुनय विनय करते रहे। मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता सौरभ भार्गव ने माँ भद्रकाली के मंदिर पहुंचकर वहां की विशेष धार्मिकता के बारे में लोगों से जानकारी ली। देखा गया कि माँ प्रत्येक की मुरादें पूरी करती है। आपको बता दें कि 2003 में कलश यात्रा, नगर भ्रमण एवं मंडप पूजन, कलश स्थापन एवं गणेश पूजन, धान्यादिवास पाठ, जलाधिवास पाठ, सहस्त्र धारा के साथ माँ निरंकारी की प्रतिष्ठा एवं पूर्ण आहुति के साथ प्रतिष्ठा हुई थी। श्री वेदाचार्य पंडित अंबिका प्रसाद भार्गव निवासी गांधीगंज मऊरानीपुर के देखरेख में यह कराई गई। आपको बता दें कि 3 सितंबर 2015 को इसका देहांत हो गया। मऊरानीपुर में ज्ञान की गंगा ही बहाकर रख दी, उन्हीं के द्वारा मां भद्रकाली की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। आज तक वह परंपरा चली आ रही है। माँ के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और फिर बेहद उत्साह से यह पूजन पाठन और माँ का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह खास है और विशेष भी। यही वजह है कि लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़ यहाँ देखी जाती है। उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर से सौरभ भार्गव की रिपोर्ट।